गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी चाय बन चुकी है। अंकित के कान का दर्द अभी वैसा ही है, नो इम्प्रूवमेंट। ही सेइंग कि 3-4 दिन चलता है ये प्रॉब्लम, मेडिसिन ले रहे हैं एंड होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी क्लास है 1 घंटे में, तो चाय पी के मैं फटाफट रेडी होंगी और अपनी क्लास अटेंड करूंगी। चलो शुरू करते हैं एक और दिन साथ में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर कान? इज स्टिल बैड? हर्ट्स इवन मैनेजमेंट। हाँ, कल परसों तक हो जाएगा। मतलब पहले बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन सूजन भी होती है क्या? स्वेलिंग हो रही है फेस में ना थोड़ी थोड़ी। चल खा ले। तो इट्स लाइक वो एलर्जी ना, तो सूजता एक साइड से, यहाँ पे थोड़ा सूजता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, तू दवाई ये खा ले, फिर दवाई ले लियो, ठीक है। आज गई है दिल्ली, बट उन्हें पता था अंकित की तबीयत खराब है, इसलिए वो ब्रेकफास्ट बना के ऑलरेडी दे के गई है। सुबह पापा देने आए थे घर पे। नीलम आंटी, आपका चाय नाश्ता रखा है, ले लेना। तो गाइस ये रहा मेरा नाश्ता, वो मिसली और चाय। अब मैं करूंगी ये यम्मी सा नाश्ता सुबह बैठ के आराम से। कैसे लेटा? दवाई डाली है इस कान में है ना, तभी क्योंकि ये कैसे हीरोइन की तरह पोज मार के लेटा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है अभी 2 घंटे की, तो वर्मिसली पड़ी है, भूख लगे तो वो खा ले रहा है, और मूसली भी बनी पड़ी है। ठीक है, मैं आ गई हूँ अपनी स्टूडियो में। मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ऐसे ही रेडी होती हूँ मैं बेसिक, बस लिपस्टिक लगा के, क्योंकि घर में यार मेकअप वगैरह करती हूँ फिर एक्ने हो जाता है मुझे, तो अवॉइड ही करती हूँ। और ना ये अगस्त से लेके अक्टूबर तक मेरे बालों के लिए सबसे बेकार सीजन रहता है। आई एक्सपीरियंस द मोस्ट हेयर फॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड स्कैल्प इतना बुरी कंडीशन में रहता है। सो अभी हेड वॉश करके मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। आई गो फॉर अ स्पा विद इन अ वीक और सो। करवा चौथ भी आने वाला है, तो इसी बहाने थोड़ा पैम्परिंग भी हो जाएगी। गाइस सुबह से मैं बस लेटा हुआ और लेटा ही हुआ हूँ। अब जाके आई फील अ लिटिल बेटर, मेरे कान का दर्द थोड़ा बेटर है। मैं सोच रहा हूँ कि चाय बना लूँ सबके लिए। आज पूरे दिन मैंने कुछ ही नहीं किया, मेरा भी मन करा चाय पीने का, मुस्कान के लिए बना लेता हूँ। आज तो मुझसे ने नाश्ता भी बनाया। मैं तो कुछ बनाया नहीं, मम्मी ने भेज दिया। अरे तूने वो बना के रखा था ना? हाँ, वो मैंने रात को बना दी थी, जस्ट इन केस कि सुबह मेरे को पता था नहीं कर पाएंगे। हाँ। और मम्मी, मेरे को नहीं पता था क्योंकि मम्मी दिल्ली गई है। हाँ। मम्मी लंच भी प्रिपेयर करके गई थी, रोटियां बना के गई थी, तो रात तक मैं ला के दी। गुड जॉब। रात को आज क्या खाएंगे? रात को डेली स्ट्रगल है भाई ये इंसान का। नहीं, रात को मैं कुछ बना दूंगा, मैं अभी कुछ बना दूंगा। वो खाएगी काबुली चना छोले? तो नहीं, तो रेस्ट करना। नहीं, आई फील ओके राइट नाउ, मैं अभी कुछ बना दूं, मेरे को पता है बाद में फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा मेरे को। अरे कोई बात नहीं, तू रिलैक्स कर, मैं कर लूंगी रात को, कुछ बना दूंगी इजी से, डोंट वरी। देखो कौन आया घर में। इसको पता है कहाँ पे बिस्किट का होता है। आगे बढ़ो। आ जाओ, बिस्किट लाओ, आ जाओ। गाइस देखो, इसको पता है कि हमारे घर में बिस्किट कहाँ पे रहते हैं, तो ये फटाफट यहीं पे आके ना बैठ जाता है। हाँ हाँ, बस बस बैठ जा। ये देखो सोना शुरू, इसके बिस्किट का दे रहे, रुक जा। तो भी याद आया कि मैंने ना लोकेशन चेंज कर दिया है और वो वहीं सूंघ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बिस्किट यहीं रहते हैं। अब मैंने चेंज कर दिया। कैस्पर की चीजी बैठ गया, देखो फटाफट। अब देखो कैच खेलेगा कैस्पर कैच। अरे पहले ही इज लॉस्ट कि कहाँ है, अब
फिर ज़्यादा नहीं मिलेगी। आ गया यहाँ पे पूछ, देखो गाइस की पूछ हिलती जा रही है एकदम। इसको थोड़ा, वैसे तो ये भागता नहीं है, इसको भागूंगी कैंडी के भरोसे। कैस्पर गो। अब ये इससे पहले जैसे ये लास्ट में जाएगा मैं इसको छुपा दूंगी। लास्ट स्ट्रीट कैश गो। अब आ जाएगा वापस, आ जा। अब इसको घर छोड़ के आती हूँ, आ जा। अब ये गैस जैसे मैं घर ले जाने लगती हूँ ना इसे, ये यहीं अटक जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ट्रीट का लालच देके डोर की तरफ लेके आऊँ और इसको अपने घर भेज दूँ, पर ये समझ जाता है कि ये क्या करना चाह रही है, इसलिए ट्रीट से पिघलता नहीं है हमारा लड़का। यहाँ पे ये रुक जाता है और देखो इसकी पूंछ भी एकदम रुक चुकी है। ये तो स्टैचू ही हो गया गैस, ये देखो स्टैचू हो गया। ओ माय गॉड। 6.5 hours later. आजा, आजा, चलो आओ आओ, आजा, आजो आजो, बाय बाय। उधर तो उधर दे रही हूँ ना, अब बैल बजाऊंगी और इसको भेज दूंगी, बाय। सुबह नीचे आ गया हूँ क्योंकि मैं थक चुका था, लेटे 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 भी थकान हो जाती है। पता है आई एम नॉट एन ओल्ड गाय, लाइक इट्स सो वियर्ड कि मैं सारा दिन बेड पे लेटा रहूं, दर्द हो रही है मेरे कान में, बट देन नहीं होता मुझसे सारा दिन लेटे रहना। सो मैं नीचे आ गया हूँ, घर पे दूध ख़त्म होने वाला था, मेरे को पता है कल से वो दूध कम पड़ जाएगा। सो मैं दूध लेने आ गया हूं और देखता हूं, बस हल्की सी वॉक करूंगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, हवा अच्छी चल रही है, फॉर अ चेंज मौसम चेंज होने लगा है, लग रहा है कि ठंड का मौसम आने वाला है। कान मेरे को एक दो दिन सब बोल रही थी कि उसको ना ट्रॉपिकाना का वो पाइनएप्पल वाला जूस पीना है, सो मैं सोच रहा हूँ कि वो देख लूँ, मिलता नहीं है। दिक्कत ये है कि ऑरेंज मिल जाता है, एप्पल मिल जाता है, पोमोग्रेनेट भी मिल जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता, पाइनएप्पल जूस नहीं मिलता। सो लेट्स सी मिलता है कि नहीं, अगर मिल जाएगा तो मैं उसके लिए वो ले लेता हूँ। और उसके अलावा ना मेरे को ना बड़े दिन से ना वो एक मिर्ची का अचार आता है, कटी हुई मिर्ची का, छोटी छोटी मिर्ची के पीसेस होते हैं उसका अचार आता है, मुझे वो बड़ा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी डब्बा ले लूँ मैं। आज रात को जो भी खाना बनेगा, मम्मी खाना भेज रही है, मैंने तो बनाया नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं खाना बनाने की, और मुस्कान बहुत ऑक्यूपाइड थी तो मम्मी ने ही खाना बना के भेजना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके हाथ में मिर्ची का अचार खाऊंगा। मिल गया, फाइनली मिल गया पाइनएप्पल जूस, दो ले लेता हूँ ना, और ना ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि खट्टा भी बहुत बढ़िया है और इसमें मिर्ची भी होती है, मैं ये वाला ले लेता हूँ साथ में। जूस भी मिल गया मेरे को, मेरा अचार भी मिल गया, और मैंने मुस्कान के लिए एक और आइटम ली है जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं उसको सीधा उसको दिखाऊंगा तब आप लोग देखना, उसको बहुत पसंद है। उसके अलावा ना मुझे अमूल की रबड़ी आती है, 25 रुपये के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, पैकेट नहीं कार्टन टाइप के आते हैं, तो मुझे वो बड़ा पसंद है, मैं ना वो देखता हूँ, वो मिलता है तो मैं वो भी ले लेता हूँ अपने लिए। मेरा मन कर रहा है आज ना कुछ खाने का, आई डोंट नो, दवाई खा खा के ना मेरा मुंह का टेस्ट चला गया था एक दो दिन से, अब एकदम से मेरा टेस्ट वापस आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो देख लूँ, वो अगर मिल जाता तो वो भी ले लेता हूँ मैं। नहीं मिला गाइस, रबड़ी वाला जो डब्बा आता है वो नहीं मिला मेरे को अमूल का, क्या कर सकते हैं, अगली बार आऊँगा तो देखूँगा फिर से अगर मिला है तो। मेरे को वो स्पेसिफिकली बहुत पसंद है, रबड़ी वाला तो और भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अमूल वाला बड़ा ही पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा ही क्रीमी क्रीमी सा है। बस ये देख मैं क्या लेके आया, चिल्ली मिल गई। हाँ मैं तो कुछ दिन बोल रहा था ना, मैं को एक दो दिन से बोल रहा था मेरे को मन कर रहा है खाने का, ये आज मैं ले आया, और मैं तेरे लिए वो भी लेके आया, हाँ पाइनएप्पल, मैं तेरे लिए कुछ और भी लेके आया, हेलो, थैंक यू, मैं डिनर के बाद खाऊंगा। हां, इट्स वेरी टेम्प्टिंग, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। चलो मेरा कान दर्द होने लग गया वापस से, लग गया, स्माइल करके दर्द हो गया, स्माइल मत कर तू, चुप रह बिल्कुल नॉर्मल, थैंक यू बेबी, आई लव यू, आई लव यू। ओ ना यार, देखो देखो मम्मा तो सुंदर लग रही है, मैं ठीक हूँ, सुंदर लग रहा है आप तो, अरे सुंदर लग रहे हो, बोल रहा हूँ। मैं तारा से रिक्शा किया, मैं निकली वहां से, तो रिक्शा करके मैंने उसको बोला कि अगर मेट्रो स्टेशन उतार दियो, जैसे उसने उतारा तो दूर से मैंने देखा वो कोने का रेड़ी वाला खड़ा था, मेरे को याद आ गया जो पापड़ पापड़ बोल रही थी कलरफुल वाले खाने,
मैंने रिक्शे वाले को बोला भैया यही उतार दिए, अंदर की दुकान इस तरफ है, मैं अपोजिट साइड उतर गई। अच्छा। तो वो देख के कहता है अरे मैडम जी आप कहाँ चली गई, उसका नंबर ले लेते हैं, नंबर लिया। वो कह भी रहा था मगर मेरे को ना दिमाग नहीं था, बस मैं घर पहुंचू, वो बहुत देर हो गई है। तो कहने लगा मैडम जी आप कहाँ चले गए, हम तो रोज घर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे हमारी कस्टमर रहती थी वो नजर नहीं आती। मैंने कहा भैया हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए हैं और परसों नर्सों ही मेरी बुटिया ये याद कर रही थी। हाँ। तो मैंने कहा देखो आज लक की बात है कि आप मुझे यही कोने पे रख लाई थी, बताओ वो जो है ना वो गाइस कल ही मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि मम्मी आपके पास कलरफुल पापड़ पड़े मुझे खाने, मेरे बचपन में दिल्ली में खाते थे, देखो कितने सारे पापड़ लेके आई है मम्मी, ये पास्ता से पापड़ है ठीक है, और ये फिश वाले हैं, वेजिटेरियन है गाइस, कुछ इसमें नॉन वेज नहीं है, बस फिश शेप है ठीक है। और ये देखो ये भी पाइप वाले हैं, ये कल बना के खिलाऊंगी, और ये छोटे पाइप है और ये बड़े वाले पाइप है, ये वाले देखो कल बनाऊंगी मैं, ये खाऊंगी। तो वो मुझे साबुदाने वाले, हाँ बहुत बढ़िया। तो वो कहने लगा कि अच्छा आप नोएडा चली गई, मैंने कहा भैया मैं यहाँ से छोड़ दिया नोएडा चले गए। तो कहने लगा अच्छा मैं ना यही खड़ा होता हूँ और दूसरे तीसरे दिन जब भी आओ तो मुझे यही से ले लिया करो, मैंने कहा ठीक है भैया ले लिया। अच्छा खड़ा रहता उधर, हाँ कह रहा भाई ये तो बड़ी किस्मत की बात है, वैसे कल ही बोल रही थी मैं, हाँ तो रिक्शे वाले को देखते ही रोक दिया, मैंने कहा ये रोक ये भाई तो मुस्कान कर परसों ही मांग रही थी, रिक्शा वाले बोला क्योंकि मेरी बेटी कल परसों ही मांग रही थी भैया यही उतार ही पापड़ वाला खड़ा हुआ है। सो गाइस ये था आज का दिन, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, मम्मी खाना देके चली गई है और मुस्कान बस अपना ऑफिस रैप अप कर रही है। मेरा कान अभी बेटर है, काफ़ी काफ़ी बेटर है कंपेयर टू हाउ इट वाज, लेकिन अभी भी दर्द आ रहती है बीच बीच में ना, व्हेन आई एग्जर्ट माय सेल्फ टू मच तो दर्द वापस आ रहती है, तो मैं ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर रहा अपने आप को, और काफी स्लो गया होगा शायद आज का व्लॉग। हाँ। क्योंकि गाइस दिन भी स्लो ही था और हम जबरदस्ती तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं सकते जो हो नहीं रहा ठीक है। तो हम वी वांट टू बी एज रियल एंड रॉ एज पॉसिबल एंड वी वांट टू शो यू दैट यू नो दिस इज व्हाट लाइफ इज लाइक राइट, बिजी स्केड्यूल, हेल्थ इश्यूज, समटाइम्स बैंक रिलेटेड इश्यूज, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट यू मेक इट थ्रू। सो ये था हमारा आज का दिन, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तक तो आपको ये मेरा डायलॉग याद हो जाना चाहिए। हाँ। और सब्सक्राइब होके घंटी भी बज जानी चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।